फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है दादावाद, और ये जो टॉपिक है ये सभी आपके एग्जाम जो इंपोर्टेंट एग्जाम है उस सबके लिए इंपोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरा दादावाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दादावाद के जन्म को लेकर, ठीक है। दादावाद की स्थापना कब हुई थी, जो इसका जन्म हुआ था वो 1916 में ज्यूरिख के जो काबोर वोल्टेर में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। क्योंकि 1916 में जब दादावादी जो कलाकार थे सभी अपने विचारों का आदान प्रदान यहीं पे करते थे, काबोर वोल्टेर में, यहां पर अपने जो विचारों का आदान प्रदान करते थे। और 1916 में, ठीक है, 1916 में दादावाद का जन्म हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि यह जीवन कला व दर्शन के प्रति अराजक विचारों का दृष्टिकोण था। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो 1914 से 1918 के मध्य में आपको पता होगा विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय समाज में पूरी तरह से क्या हुआ था, अराजकता और निराशा के भाव थे। और ये जो दृष्टिकोण था, जो दादावादी का दृष्टिकोण क्या था कि जीवन में कला के प्रति जो अराजक विचार थे जो उस समय बहुत अधिक प्रचलित थे, और उन्हीं का एक दृष्टिकोण था दादावाद, ठीक है। और इनकी प्रदर्शनियों में खराब घड़ियां, रस्सी के टुकड़े, पुराने फोटो, टूटी फूटी चीजें या पुराने बटन, ये क्या कर रहे थे, ये सब चीजों को एक रद्दी की तरह वहां पे प्रदर्शित करते और उनको अपने हिसाब से कुछ भी शीर्षक देते थे। ये एक तरीके से जो उस समय विचार चल रहे थे, उस समय का माहौल था, उसी को अपने कला के जरिए क्या करते प्रदर्शित कर रहे थे अपनी कला के माध्यम से। तो अपनी प्रदर्शनी में क्या कर रहे थे, खराब घड़िया, पुरानी रस्सी के टुकड़े, पुरानी फोटो, टूटी फूटी चीजें, ये सारी चीजें प्रदर्शित करते और उन्हें अपने हिसाब से क्या करते कि अपने हिसाब से उनको नाम देते, शीर्षक देते, ठीक है। दादावाद का नामकरण देखो, दादावाद नामकरण बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने कोई सोच समझकर नाम नहीं लिखा। इन्होंने एक बुक उठाई जो जर्मन फ्रेंच शब्दकोश था, और उसे चाकू की नोक से जो बीच में से खोला, और जो सबसे पहले जो पेज पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो था दादा, ठीक है। और उसी के आधार पर इन्होंने इस वाद का नाम क्या पढ़ा, दादावाद पढ़ा। और दादावाद का जो अर्थ होता है वो होता है लकड़ी का खिलौना, ठीक है, अगर अर्थ निकाला जाए तो। लेकिन इसका जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के आधार पर जो इसको जब खोला गया और जो पहला वर्ड दादा निकल के आया, उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, दादावाद पड़ा, ठीक है। अब इसके जनक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दादावाद के जनक कौन है, तो इसके जनक है मार्सल दुशां व पिकाव्या। ये दो जो आर्टिस्ट है ये दादावाद के जनक माने जाते हैं। और आगे अपन इसके इन दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो अब देखते हैं कि दादा पिकाव्या के, देखो जब पिकाव्या दादावाद में शामिल हुए थे तो दादावाद की एक निजी शैली पनपने लगी थी। उससे पहले अपन कलाकार अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन जब पिकाव्या दादावाद में शामिल होते हैं तो दादावाद की निजी शैली विकसित हुई उस समय, ठीक है। 1918 में जो बाल थे, जो एक विख्यात इतिहासकार थे, कवि थे, उन्होंने दादावाद का पहला घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र का मतलब है कि अपने सिद्धांत विचारों को उसके अंदर लिखना, ठीक है। तो बाल ने क्या किया था कि 1918 में पहला अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब बात करते हैं जो कवि मार्सल होटेल, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि मार्सल होटेल ने इनफॉर्मल चैप्टर ऑन द पेंटर्स नामक एक निबंध है ना प्रकाशित किया था दादावाद के ऊपर, जो कौन थे, कवि मार्सल होटेल थे, ठीक है। अब दादावाद का जो आंदोलन आपको बताया था कि 1916 में शुरू हुआ और 1922 तक इसका जो चरम अवस्था थी वो 1922 तक रही थी। और 1922 में एक प्रदर्शनी होती है जिसमें इन्होंने उपहास के रूप में ये कलाकार जो अपने चित्र प्रदर्शित करते हैं वो अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई कि 1916 में दादावाद का जन्म हुआ था ज्यूरिख के काबोर वोल्टेर में। और ये क्या था, ये जो मनुष्य के जीवन के प्रति जो कला अराजक विचारों का एक दृष्टिकोण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से निराशा के भाव, पूरे समाज में निराशा के भाव थे और पूरे चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, उसी का इन दृष्टिकोण था ये, उसको उपहास के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया था। इनके प्रदर्शनी में पुरानी जो खराब घड़िया, टूटी फूटी जो पुरानी रस्सी के टुकड़े, टूटे हुए बटन, पुरानी फोटो वगैरह रद्दी की तरह ये प्रदर्शित करते थे, पटक करते थे, और वहां पर उनका अपना जो नाम ये अपने शीर्षक देते थे। दादावाद का जन्म, मैंने आपको बताया कि जर्मन फ्रेंच शब्दकोश को बीच में जब चाकू के नोक से इन्होंने निकाला, जो पहला शब्द आया दादा, उसी के नाम पर इस वाद का नाम क्या पड़ा था, दादावाद पड़ा था, ठीक है। दादावाद के जनक कौन थे, मार्सल दुशां व पिकाव्या, ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। और 1918 में बाल ने जो दादावाद के ऊपर पहला अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अब अपन पढ़ लेते हैं जो मार्सल दुशां व पिकाव्या के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोटिस कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ते हैं हम।
दोस्तों अब पढ़ लेते हैं अपन जो मार्शल दूसरा और पिकार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं इस वीडियो में पूरा आपको कवर कर दूंगा। आप इस चीज का बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्शल दूसरा के बारे में, ठीक है। दोस्तों 1911 में मार्शल दूसरा ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था कॉफी की चक्की, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है इनकी पेंटिंगों के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है 1911 में बनाया था इन्होंने कॉफी की चक्की नामक चित्र बनाया था। 1912 में इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, इसका नाम है जीन पर उतरती हुई नग्न आकृतियां, ठीक है, जीन पर उतरती हुई नग्न आकृतियां 1912 में बनाया, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु ये चित्र बनाया था, यह भी इनका एक इम्पोर्टेंट चित्र माना जाता है। 1916 में इन्होंने क्या प्रयोग किया, देखो इन्होंने साइकिल को कुर्सी पर बैठाकर, साइकिल थी उसको कुर्सी पर बैठाकर पहली चंचल कृति बनाई, और चंचल कृति का जिससे इन्होंने निर्माण करना आरंभ किया। इनके बाद में ही चंचल कृति जो नामक कला थी वो प्रचलित हुई थी। सबसे पहले 1916 में इन्होंने बनाना आरंभ किया था, जो अपनी पहली चंचल कृति थी उसके नाम क्या था, साइकिल को कुर्सी पर बैठाकर इन्होंने पहली चंचल कृति बनाई थी। इसके बाद में 1920 में घूमती हुई कांच की तश्तरिया, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इनके बारे में ये जरूर आपको याद रखना है कि मार्शल दूसरा की जो इंपोर्टेंट पेंटिंग है उनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। 1920 में घूमती हुई कांच की तश्तरिया बनाई, 1935 में घूमते शिल्प इनका एक अन्य प्रमुख चित्र है जो बनाया था इन्होंने, और मार्शल दूसरा ने बनी बनाई कला की भी कल्पना की। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो बनी बनाई पहले की वस्तुएं थी, जैसे ये है चंचल आकृति, ये तो इन्होंने क्या किया था कि साइकिल और बनी बनाई वस्तु है, कुर्सी बनी बनाई वस्तु है, उनको मिलाकर कुछ ना कुछ नई आकृतियां बनाते थे, तो इन्होंने बनी बनाई जो कला की भी कल्पना की थी मार्शल दूसरा ने, ठीक है। 1920 की जब दादावादियों की प्रदर्शनी हुई थी, इन्होंने जो परंपरागत सौंदर्य शास्त्र दृष्टिकोण था उसके बहुत उपहास किया, और किस तरीके से किया, 1920 की प्रदर्शनी में इन्होंने मोनालिसा थी जिनके होठों पर मूछें बनाकर, ठीक है, मूछें बनाकर चित्रित करके इनको प्रदर्शित किया, और इसे लूक शीर्षक नाम दिया, लूक शीर्षक नाम दिया। 1920 की जो दादावादी की प्रदर्शनी थी उसमें क्या किया था कि जो मोनालिसा थी जिसकी पेंटिंग थी उस पर जो मूछें थी, जो होठों पर मूछें बनाकर, ठीक है, चित्र प्रदर्शित किया, और उसे क्या नाम दिया, क्या शीर्षक नाम दिया, लूक नामक शीर्षक दिया। ये इंपोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रदर्शनी में जो पिकाबिया थे उन्होंने एक चौकठे वाला बंदर प्रदर्शित किया, और उसे क्या नाम दिया, क्या शीर्षक दिया, सेजान का व्यक्ति चित्र। ये इंपोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कई बार, और इस चीज को आप याद भी करना कि जो एक चौकठे वाला बंदर किस प्रदर्शनी में किस चित्रकार ने रखा, तो वो है पिकाबिया, उसको क्या नाम दिया, सेजान का व्यक्ति चित्र नाम दिया। इस प्रकार दादावादियों ने परंपरागत सौंदर्य शास्त्र का उपहास किया। तो मैंने आपको बताया था कि एक उपहास का रूप स्वरूप दृष्टिकोण था, ठीक है, इन्हें जो परंपरागत प्रचलित सौंदर्य शास्त्र उसका एक उपहास किया था अपने कला के माध्यम से, ठीक है। पिकाबिया की कृति एक चित्र है जिनका नाम है कामुकता का प्रदर्शन, यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, कामुकता का प्रदर्शन, ये पिकाबिया की प्रसिद्ध कृति है। और 1922 में दादावाद समाप्त हो गया, आपसी विरोधों के कारण ये दादावाद का समाप्त हो गया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, मार्शल दूसरा की पेंटिंग कॉफी की चक्की, जीन पर उतरती हुई नग्न आकृति, तीसरा ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु, ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पहली चंचल कृति कब बनाई थी, 1916 पर एक कुर्सी पर साइकिल को रखकर अपनी पहली चंचल कृति बनाई थी। उसके बाद में इन्होंने घूमती हुई कांच की तस्करियां बनाई, 1935 में घूमते शिल्प बनाए, ठीक है, मार्शल दूसरा ने ही बनी बनाई कला की कल्पना की थी, ठीक है। 1920 में जो प्रदर्शनी हुई थी, जो दादावादी की प्रदर्शनी, जो एक तरह से प्रसिद्ध प्रदर्शनी थी, उसमें मोनालिसा के होठों पर मूछें बनाकर उसको क्या नाम शीर्षक दिया था, लूक शीर्षक दिया। इसी प्रदर्शनी में जो पिकाबिया थे उन्होंने एक चौकटे वाला बंदर प्रदर्शित किया, रखा वहां पर प्रदर्शनी में, और उसे क्या नाम दिया, सेजान का व्यक्ति चित्र नाम दिया, ठीक है। इस प्रकार दादावादी ने सौंदर्य शास्त्र का क्या किया, पूरी तरह से आलोचना किया, उपहास किया उसका। और पिकाबिया की अन्य कृति है कामुकता का प्रदर्शन, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, और 1922 में ये क्या हुआ, दादावाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जो आपका हर टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और दोस्तों जो एकदम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो अपन सब इस चैनल के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।